हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज़ जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। सो हम ये जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके ऊपर हम ग्राम स्टेन करते हैं एंड उस स्टेन में वेरियस टाइप ऑफ स्टेन्स हम यूज़ करते हैं एंड ग्राम पॉजिटिव कुछ स्टेन्स को अपटेक करता है एंड ग्राम नेगेटिव कुछ स्टेन्स को अपटेक करता है। तो उसके बिहाफ पे भी इसको डिफ्रेंशिएट किया है एंड इनके सेल की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से भी इनको डिफ्रेंशिएट किया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, वो रिटेन करता है ग्राम स्टेन में से जो क्रिस्टल वॉलेट डाई होता है उसके कलर को अपटेक करता है, उसको रिटेन करता है। कौन से कलर, और उसका कलर क्या होता है, ब्लू या फिर पर्पल। ओके सो एंड जो ग्राम नेगेटिव होता है कैन बी डी कलराइज, इसको हम डी कलराइज कर सकते हैं टू एक्सेप्ट काउंटर स्टेन, ताकि ये काउंटर स्टेन को एक्सेप्ट कर सके। और काउंटर स्टेन कौन सी होती है, सेफ्रनिन स्टेन, और वो कलर देती है पिंक या रेड। सो बेसिकली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो माइक्रोस्कोप में हमें ब्लू या फिर पर्पल कलर का दिखता है, राइट। एंड जो ग्राम नेगेटिव होता है वो माइक्रोस्कोप में हमें पिंक या फिर रेड कलर का दिखेगा। सो ये चीज़ है। अब अगर इसमें डीकलराइज की बात की जा रही है, तो मतलब कि डीकलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, जो हमने प्राइमरी स्टेन दी है उसको हटाना है हमें, उसको डीकलराइज करना है एंड दूसरी स्टेन का हमें, हम चाह रहे हैं जो काउंटर स्टेन है उसका कलर उसके ऊपर चढ़ जाए। सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है वो डीकलराइज नहीं हो सकती है एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है वो डीकलराइज हो जाती है प्रोसीजर के दौरान। सो इसी वजह से ये सेकंड काउंटर स्टेन का कलर पकड़ती है जो कि पिंक और रेड कलर का होता है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो डीकलराइज नहीं होता है। इसीलिए जो प्राइमरी स्टेन होती है उसकी क्रिस्टल वॉयलेट उसी कलर को वो पकड़ के रखती है, उसको छोड़ती नहीं है, इसी वजह से वो ब्लू कलर का दिखता है। उसके बाद सेल वॉल की बात करें, सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, मतलब कि मोटी होती है। कितनी होती है उसका थिकनेस, कितनी होती है, 20 to 30 nm होती है, नैनोमीटर, एंड सिंगल लेयर होती है, ये इनसॉल्युबल होती है 1% KOH के अंदर, राइट। उसके बाद अगर बात करें सेल वॉल की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, सो ये टू लेयर सेल वॉल होती है, इसके अंदर दो लेयर होती हैं एंड ये सॉल्युबल होती है 1% KOH के अंदर। इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 8 to 12 nm की होती है। वैसे ये टू लेयर है लेकिन फिर भी इसकी जो थिकनेस है वो इसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी थिन होती है। सो इसी वजह से, क्योंकि इसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है, ये जो डीकलराइजेशन नहीं होती होने देती है अपने ऊपर। ये जो इसने प्राइमरी स्टेन को एक बार पकड़ लिया तो उसने पकड़ लिया, वो छोड़ेगा नहीं उसे। और इसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है, इसी वजह से इसके ऊपर डीकलराइजिंग एजेंट का वर्क हो जाता है और उसकी वजह से ये काउंटर स्टेन को पकड़ लेती है, जो कि कलर देती है फिर पिंक या फिर रेड कलर का। सो अगर आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें एब्सेंट रहता है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बारे में बात करें, सो इसमें मल्टीपल लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, दैट्स वाई वो थिकर होता है, मोटा होता है थोड़ा सा, एंड इसमें थिन लेयर होती है एंड वो सिंगल लेयर्ड होता है ग्राम नेगेटिव में। टिकोइक एसिड, अगर टिकोइक एसिड के बारे में बात करें, सो ये हेल्प करता है सेल को रेगुलेशन में, उसको मेटाबॉलिज्म होने में उसके में। सो जो टिकोइक एसिड होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स प्रेजेंट होता है, एंड ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट रहता है। टॉक्सिक के बारे में बात करें, सो टॉक्सिन, एक्चुअल में टॉक्सिन क्या होता है, टॉक्सिन बैक्टीरिया के थ्रू रिलीज किए जाने वाला एक जहर होता है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल लाइन में टॉक्सिन बोलते हैं। अब ये जो टॉक्सिन क्या करता है, ये होस्ट के अंदर डिजीज को कॉज करता है। कैसे, होस्ट कौन होता है, बेसिकली जैसे हम हैं, हमारे अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से, सो वो अपने द्वारा कोई ना कोई टॉक्सिन रिलीज करेंगे जिसकी वजह से मुझे कोई ना कोई डिजीज होगी, तो मैं होस्ट हूँ, ओके। सो टॉक्सिन प्रोड्यूस जो होता है ग्राम पॉजिटिव के थ्रू वो एक्सोटॉक्सिन होता है। जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो इन्फ्लामेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंड उसके बाद जो एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन प्रोवाइड होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के थ्रू होता है, ठीक है। एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ग्राम नेगेटिव। बेसिकली ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर डिजीज कॉज होने शुरू हो जाती है। अब देखिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बारे में बात करें, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं होता है एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेस
प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन अब्सेंट रहती है एंड ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। लिपिड कंटेंट में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें लिपिड कंटेंट काफ़ी लो क्वांटिटी में होता है, कितना रहता है 1 to 4% रहता है, एंड नेगेटिव में हाई रहता है, कितना रहता है 11 to 22% रहता है। लिपोपॉलीसेक्राइड, इसमें बात करिए सो लिपोपॉलीसेक्राइड यूजुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अब्सेंट रहता है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट रहता है। अब एंटीबायोटिक्स में बात करें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो मोर ससेप्टिबल होता है ऑन द एंटीबायोटिक्स एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो रेजिडेंस होता है टू द एंटीबायोटिक्स। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, काफ़ी बार क्वेश्चंस में पुट अप हो जाता है। सो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस आता है, क्लोस्ट्रीडियम आता है, ओके, बेसिलाई आता है एंड निकोडिया आता है। एंड देन उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंटीरियो बैक्टीरिया, इकोलाई, विब्रियो, ये सब बैक्टीरियाज ग्राम नेगेटिव में आते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज़ जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि कितना हेल्पफुल था, एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।